गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए मैं एक ये गुलाब का पौधा को नर्सरी से लेके आया हूँ। अब इसको देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले इसको आप निकाल लीजिए अच्छे से इसको। ये गमला से निकल गया। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ये बट को लगाया जाता है। पहले ये स्टॉक प्लांट होता है, उसमें दूसरा बट को लगाया जाता है। इसमें ध्यान देने वाले कौन सा ठल्ली रखना है कौन सा नहीं रखना है, ये जो है जंगली हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे ये जंगली हो जाएगा, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। रखना कहाँ से है, इसको मैं तोड़ के हटा दिया। इसके ऊपर जो भी ठल्ली आएगा उसको रखना है, बाकी नीचे का तोड़ देना है। अगर आप इसको नहीं तोड़ेंगे वो निकलेगा, ज़्यादा बढ़ेगा और इसका ग्रोथ रुक जाएगा, धीरे धीरे ये सूख के ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है लगाने से पहले। अब हम इसको गमला में लगा रहे हैं, गमला में ऑलरेडी पहले से होल है, होल होना ज़रूरी है। अगर आपका ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, कोई भी पौधा चाहे वो जो भी पौधा हो वो ख़राब हो जाएगा। मैं मिट्टी पहले से डाल दिया हूँ इसमें हल्का सा। अब और ये सोयल जो है इसमें मिट्टी और गोबर का सड़ा हुआ खाद से मैं सोयल को बनाया हूँ। देखिए इसको मैं लगाता हूँ सिरोज को। ध्यान दे, ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए रोज का प्लांट। ये ज्वाइंट नीचे चले जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से डंठल निकला है, ये डंठल सही है या नहीं है। फिर अगर ये इसका जंगली निकल गया, इसका जो स्टॉक प्लांट है उस रूट से उससे अगर निकल गया तो वो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसमें मिट्टी डालता हूँ। अब देखिए मैं इसमें बढ़िया से सोयल भर चुका हूँ, इसमें आप पानी डाल दीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से पानी डाल देंगे नीचे तक जाके पानी जा सके अल्ला पानी। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा बढ़िया से। इसमें कली भी है ऑलरेडी पहले से, मैं ऊपर दिखाऊंगा अभी बाद में। इसमें ऑलरेडी कली है, दिखा कली दूर से देखो। इसमें पानी धीरे नीचे तक चले जाएगा। ये पानी सब सूख जाएगा इसमें बढ़िया से। धीरे करो। देखिए मैं कुछ दिन पहले इसको इस गुलाब को मैं रिपोर्ट किया था, इसका मिट्टी उट्टी निकाल के बढ़िया से दूसरा सोयल डाला हूँ मैं, वही गोबर का खाद मिला के डाला था। देखिए कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है, इसमें कली भी है, जहाँ से डंठल निकलेगा वहाँ से कली निकलेगा दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी निकलेगा ये गुलाब से, ये फूल से भर जाएगा ये गुलाब। इसको मैं पहले ही रिपोर्ट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखेंगे मैं कैसे किया था रिपोर्ट। पूरा इसका मिट्टी निकाल दिया था, इसको फिर दे दिया, मतलब लग भी गया है कितना अच्छा से ये ग्रो भी कर रहा है। थैंक यू दोस्त, अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं। ओके, सेफ करें।